यार मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कैलाइट क्रीम का रिव्यू कीजिए कि भी इस क्रीम को किस पर्पस में यूज में लिया जाता है, इसकी क्या बेनिफिट्स है, इसकी क्या साइड इफेक्ट है। इस क्रीम पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत से वीडियो अवेलेबल है, उन वीडियोस में ये बताया गया कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो तो 10 से 15 डेज में आपकी स्किन को व्हाइट बनाता, मतलब कि एकदम से आपकी स्किन को चेंज करता है। तो दोस्तों एक्चुअल में इस क्रीम की क्या सच्चाई हम इस वीडियो में टोटली डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशली फॉर, और अगर आप यूज भी कर रहे हो तो भी आपके लिए, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं इस प्रोडक्ट की ऑनेस्टी के साथ ऑनेस्टी में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें हाइड्रोक्विनोन ट्रिटिनियन मोमेटोसन फ्लोरेट यूज में लिया गया। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्विनोन एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, वो आपकी स्किन के लिए सेफ नहीं होता। एक्चुअली में हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, आपकी स्किन की मेलेनिन, जो मेलेनिन का स्तर होता है उसको बहुत ज्यादा कम करता है, जिससे कि क्या होता है आपकी स्किन लाइट दिखती है, और ये बहुत ही मतलब कि हार्ड मतलब कि बहुत पावरफुल होता है। अब ये क्या करता है, ये आपकी स्किन मेलेनिन स्तर को बहुत ज्यादा कम कर देता है, उसके कारण आपकी स्किन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो ना तो मैं आपको बता दूं कि आप इस क्रीम को प्लीज छोड़ दो, या फिर यूज करने का सब बारे में भी छोड़ दो, मतलब सोचना ही छोड़ दो यार, इसकी खतरनाक साइड इफेक्ट भी है। ये क्या करता है, अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो ना तो आपके फेस पर बहुत डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स, आपकी स्किन बहुत डैमेज मतलब कि सेंसिटिव हो सकती है बिल्कुल ही, और आपकी स्किन बहुत रेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज में कर रहा हो ना तो आपका चेहरा हाँ ठीक है 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन में गोरा हो जाएगा, और गोरा होने के बाद फिर मेरा हेयर का कलर देखा ना वैसा हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाए वो सब फेक है, इसके बारे में कुछ भी मतलब कि जानकारी जो मर्जी आए बोला जा रहा है यार, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। स्किन व्हाइटनिंग के लिए आप यूज में नहीं ले सकते हो। हाँ अगर आप स्किन पर डार्क स्पॉट, बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट मतलब कि हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मलेजमा जैसी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज में ले सकते हो, वो भी डॉक्टर के डिस्क्रिप्शन के बाद ही, आपको डायरेक्टली परचेज नहीं करना, डायरेक्टली यूज नहीं करना है।